हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम हाँ जी स्टूडेंट्स तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मींस एम ओ ए तो इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एम ओ ए और आगे उसकी फर्दर स्टडी करेंगे एम ओ ए के बारे में ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ एम ओ ए कि एम ओ ए है क्या तो देखिए स्टूडेंट्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आल्सो कार्ड्स इज चार्टर उसका चार्टर भी बोलते हैं उसको इट इज द कंपनीज प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कंपनी का एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है क्या कौन एम ओ ए ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है सारी प्रिंसिपल कंडीशंस को जो कंपनी के ऑन विच द इज इनकॉर्पोरेटेड जिसके बेस पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ठीक है नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सिंस इट डिफाइन्स द राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी रजिस्टर्ड, कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना क्योंकि ये डिफाइन करता है देखिए याद रखना क्या डिफाइन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोशिएशन में राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी क्या राइट्स एंड देखिए मेन पॉइंट्स राइट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी और ये क्या है प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है और ये कंपनी का इसको चार्टर भी बोल सकते हैं और इसमें क्या लिखी होती है प्रिंसिपल कंडीशन लिखी होती है किसकी कंपनी की जो जिसके बेस पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ठीक है स्टूडेंट्स आगे देखिए इनफैक्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ज द फाउंडेशन ऑन विच द एडिफिस ऑफ द कंपनी स्टैंड इट आल्सो इट आल्सो इज द बाउंड्री वॉल विद इन विच द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी मस्ट बी कन्फाइंड ये बोल सकते हैं ये इसके अंदर सारी बाउंड्रीज लिखी होती है कंपनीज की जिस बाउंड्री के बाहर कंपनी कोई भी वर्क नहीं कर सकती ठीक है अब देखिए इसकी क्या पढ़ते हैं डेफिनेशन पढ़ते हैं <clears throat> According to section 256 of the Companies Act 2013, memorandum means the memorandum of association as originally framed. और एज आल्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टार्टिंग में ओरिजिनली फ्रेम किया हुआ और टाइम टू टाइम उसको आल्टर किया हुआ इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ ऑफ दिस एक्ट दिस डेफिनेशन गिवन इन द इन द एक्ट इज नॉट वेरी कम्प्रिहेंसिव इन इट् सेल्फ एंड डज नॉट क्लियरली स्पेसिफाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कंपनी बट इट डज क्लैरिफाई दैट इट इज द डॉक्यूमेंट दैट इज़ द basic information of the company भाई ये जो मतलब डेफिनेशन है ऊपर ये क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर रही इंपॉर्टेंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बट ये क्लियरली स्पेसिफाई ये कर रही है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो है, बेसिक है मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए यानी कि सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा तभी वो कंपनी क्या होगी फ्रेम होगी या बनेगी फॉर्मेशन होगी उस कंपनी की ठीक है आगे देखिए एक और कर लेते हैं लॉर्ड मैकमिलन के अकॉर्डिंग द पर्पज ऑफ द मेमोरेंडम इज टू इनेबल द शेयर होल्डर क्रेडिटर एंड दोज हु डील विद द कंपनी टू नो इट्स परमिटेड रेंज ऑफ एंटरप्राइज कि मेमोरेंडम का पर्पज़ होता है कि वो इनाबल करे शेयर होल्डर को क्रेडिटर को और अदर पर्सनस को जो डील कर रहे हैं कंपनी के साथ और वो कंपनी की रेंज बताएं कंपनी कैसी है किस टाइप की है बेसिक उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं ठीक है ठीके? आगे देखिए ऑन द बेस ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन इट कैन बी सैड हम क्या कह सकते हैं इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं अ कंपनी कैन नॉट फंक्शन बी ऑन्ड द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोशिएशन कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोशिएशन के बाहर की सीमा मतलब जो अपनी सीमा बनाई हुई है ना जो लिमिट्स बनाई हुई है उसके बाहर कोई भी वर्क नहीं कर सकती कैन नॉट फंक्शन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम ठीक है मतलब जो इसके अंदर लिखा होगा सिर्फ वहीं तक कंपनी फंक्शन कर सकती है उसके अंदर जो नहीं लिखा हुआ है कंपनी उसके अंदर फंक्शन नहीं कर सकती दूसरा द कंपनी कैन नॉट आल्टर द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी कंपनी अपनी अल्टर नहीं कर सकती अपनी एक्टिविटीज़ के स्कोप को मतलब चेंज नहीं कर सकती एनी अल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोशिएशन इज ओनली पॉसिबल मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में चेंज नहीं किया जा सकता अल्टर नहीं करा जा सकता कब पॉसिबल है सिर्फ पॉसिबल व्हेन द कंपनी फुलफुल द फुलफिल द मेट रिक्वायरमेंट लेट डाउन द कंपनीज एक्ट देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोशिएशन में चेंज नहीं किया सकता आल्टर नहीं किया जा सकता अगर आपको आल्टर करना है तो वो बहुत ज़्यादा जो अगर आप जो भी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे ना जो भी किसने मांगी हुई है रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो अगर चेंज करवाना है आल्टर की रिक्वायरमेंट है आप जब वो पूरी कर दोगे तब जाके आप कुछ आल्टर करवा सकते हो अपने एम के अंदर ठीक है स्टूडेंट्स आगे देखिए ये देखिए स्टूडेंट्स ये है कुछ features. Features हैं कुछ फीचर्स फीचर्स हैं एमओ के आफ्टर एग्जामिंग द वेरियस डेफिनेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द फॉलोइंग स्टैंड आउट एज द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरेंडम देखिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्या विशेषताएं हैं एमओ की वो पढ़ते हैं फर्स्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द बेसिक चार्टर एक बेसिक चार्टर है ऑन विच द कंपनी इज बेस्ड जिसके ऊपर कंपनी बेस्ड है एंड इस मैंडेटरी फॉर कंपनी कंपनी के लिए क्या ये है ये मैंडेटरी है यानी मस्ट है बहुत ज़रूरी है

थर्ड द मेमोरेंडम कैन नॉट बी आल्टर बाय द कंपनी कंपनी मेमोरेंडम को चेंज नहीं कर सकती है आल्टर नहीं कर सकती कब कर सकती है सिर्फ एक्सेप्ट बाय फुलफिलिंग द कंडीशन लेट डाउन द कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड सिचुएशन जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट डाली हुई हैं दी हुई हैं वो अगर आप फुलफिल कर देते हो तब जाके आप आल्टर करा सकते हो वैसे कोई कंपनी अपने एमओए के अंदर आल्टर नहीं करा सकती फोर्थ इट डिफाइन द स्कोप ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी कंपनी की एक्टिविटी का स्कोप डिफाइन करते हैं एंड ऑल एक्ट्स बियड द स्कोप आर डीम्ड टू बी अल्ट्रावायर्स और जो इसके स्कोप से बाहर काम किया जाता है वो अल्ट्रावायर्स माना जाता है ठीक है फोर्थ फिफ्थ इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट है एंड इज ओपन टू इंस्पेक्शन बाय दूज हु डील विद द कंपनी ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं पर्सन क्रेडिटर्स हैं शेयर होल्डर्स हैं वो सब इस ये उन उन सबके लिए ये ओपन डॉक्यूमेंट है उन उनके लिए ये ओपन डॉक्यूमेंट है फॉर एन इंस्पेक्शन ठीक है सिक्स इट डिफाइन्स द कंपनी रिलेशन विद आउटसाइड इंडिविजुअल्स एंड इट्स एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू दैम ये क्या करता है ये डिफाइन करता है कंपनी के रिलेशन विद आउटसाइड इंडिविजुअल जो बाहर के इंडिविजुअल्स पर्सन है उनके साथ एंड इट्स एक्टिविटी इन रिलेशन टू दैम और उनकी एक्टिविटीज उन पर्सन के रिलेशन में ठीक है ये सब चीज़ ये डिफाइन करता है एम ओ ए ठीक है हाँ जी स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं पर्पज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ M O A -E. ठीक तो है स्टूडेंट्स तो देखिए क्या पर्पस है एमओ को बनाने का या क्या इंपॉर्टेंस है एम की देखिए फर्स्ट इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि ये चार्टर है कंपनी का और एक और तो इत 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 बेसिक और मेंट्री डॉक्यूमेंट है तो इट इज अ बेसिक एंड मेंट्री डॉक्यूमेंट या चार्टर विदाउट विच द कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड जिसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हो सकती दैट मीन्स इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है ना दूसरा इट इज़ एन अनबल डॉक्यूमेंट इसको चेंज नहीं किया जा सकता देखिए एम को कोई भी कंपनी चेंज नहीं कर सकती एक्सेप्ट जब वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, अल्टर करवाने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे जो कंपनी एक्ट के द्वारा दी गई है कंपनी एक्ट में अल्टर करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं अगर वो कोई कंपनी अल्टर करवाना चाहती है तो वो रिक्वायरमेंट अगर वो पूरी कर देती हैं तब वो अपने एम के अंदर कुछ अल्ट्रेशन करवा सकती हैं अदरवाइज इज़ एन इट इज़ एन अल्टर अल्टरेबल अनऑल्ट्रेबल डॉक्यूमेंट आगे देखिए इट डिफाइन्स द लिमिटेशन ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन देखिए जो एमओ है वो कंपनी की लिमिटेशन प्रोवाइड करता है कि जी कंपनी इस इस जो जो चीज एम के अंदर लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन कर सकता है इस सीमाओं के बाहर वो ऑपरेशन नहीं कर सकता जो एमओ के अंदर लिखा है उसी चीज के अंदर वो क्या कर सकता है अपना ऑपरेशन कर सकता है उस लिमिट के बाहर वो ऑपरेट नहीं कर सकता दैट मीन्स इट डिफाइंस लिमिटेशन ऑफ द कंपनी ठीक है आगे देखिए फोर्थ इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर देखो ये कंपनी और आउटसाइडर पर्सनस के बीच में क्या करती है रिलेशनशिप बनवाती है यह बेसिस होती है उसकी क्यों क्योंकि कंपनी के जो एम को उससे कंपनी से रिलेटेडेबल पर्सन जो कंपनी से रिलेट करते हैं उसको यूज करते हैं एम को पढ़ते हैं जो गाइडलाइन लिखी होती है एम के अंदर वो उसको यूज करते हैं इसलिए क्या करते हैं ये कंपनी के साथ कंपनी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर ठीक है स्टूडेंट्स आगे देखिए फिफ्थ देखिए क्या इंपॉर्टेंस है इट कंटेन्स क्लॉज दैट गिव इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इसके अंदर कई सारी क्लॉज होती हैं जो कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है ठीक है और इम्पोर्टेंस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करती है

प्रोवाइड करती है एमओए, इन शॉर्ट इट गिव्स अ व्यूअर ए पिक्चर ऑफ़ द कंपनी अगर एक शॉर्ट में बोला जाए तो कंपनी की पिक्चर दिखाती है कंपनी हमारी ऐसी है हमारी कंपनी का नाम ये है हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यहां पर है ऐसा ठीक है आगे देखिए अब ये देखिए फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन कौन से फॉर्म्स हैं देखिए <coughs> अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेमरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैव बीन प्रेसक्राइब फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी अलग अलग टाइप की कंपनी के लिए अलग अलग टाइप के एमओ ए का डिफरेंट फॉर्म्स प्रेसक्राइब किए गए हैं स्पेसीमैन फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ मेमोरेंडम फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी आर कौन कौन से स्पेसिमेन है सेट आउट इन टेबल ए बी सी डी एंड ई इन शेड्यूल एज शेड्यूलो फर्स्ट देखिए द फॉर्म इन इन टेबल ए इज एप्लीकेबल केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए टेबल ए फॉर्म ठीक है दूसरा द फॉर्म ऑफ टेबल बी इज एप्लीकेबल टू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर कैपिटल हो तो टेबल बी फॉर्म लगेगा तीसरा टेबल सी फॉर्म एप्लीकेबल होगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग याद रखना ये हैविंग अ शेयर कैपिटल इधर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल फोर्थ द फॉर्म इन टेबल डी इज एप्लीकेबल टू अनलिमिटेड कंपनीज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अनलिमिटेड कंपनी है और शेयर कैपिटल नहीं है तो टेबल डी आएगा फिफ्थ है द फॉर्म टेबल ई एप्लीकेबल का अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इधर नॉट हैविंग हैविंग था इधर है ठीक है टेबल ई लगेगा ठीक है स्टूडेंट्स तो ये लर्न कर लेना आगे आगे देखिए लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शेल बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इंटू पैराग्राफ कॉन्जिक्यूटिवली कि प्रिंटेड होना चाहिए जो आपका एमओए है और उसको डिवाइडेड होना चाहिए पैराग्राफ्स में लिखा होना चाहिए ठीक है सेकेंड वन बी साइंड बाई ईच सब्सक्राइबर हर सब्सक्राइबर के द्वारा साइन किया होना चाहिए हु शैल एड हिज एड्रेस डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन यानी कि जो सिग्नेटरी होंगे एम के उसके उनका इसके अंदर एड्रेस लिखा होगा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा और उनका ऑक्यूपेशन लिखा होगा ठीक है थर्ड बी साइन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस जब साइन किया जा रहा है एम को तो कम से कम एक विटनेस जरूर प्रेजेंट होना चाहिए उस टाइम हु शैल अटैच द सिग्नेचर जो नेचर को अटेस्ट करेगा एंड शैल लाइकवाइज ऐड हिज एड्रेस डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन तो और अपना भी एड्रेस लिखेगा डिस्क्रिप्शन लिखेगा और ऑक्यूपेशन लिखेगा तो अब देखिए क्या बोला है एक तो प्रिंटेड होना चाहिए पैराग्राफ में होना चाहिए दूसरा जो सब्सक्राइबर हैं उस जितने भी सब्सक्राइबर है उसके द्वारा साइन होना चाहिए और उनका क्या क्या लिखा होना चाहिए एड्रेस लिखा होना चाहिए डिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए और खुपेशे. एक विटनेस होना चाहिए वन विटनेस होना चाहिए जिसका भी एड्रेस डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन लिखा होना चाहिए ठीक है आगे देखिए क्या बोलता है दिस द विटनेस कैन बी द सेम फॉर ऑल मेंबर ऑफ द कंपनी बट वन मेंबर कैन नॉट बी अ विटनेस फॉर अनदर देखिए एक देखो ये विटनेस है वो सेम हो सेम हो सकता है कैन बी सेम फॉर ऑल मेंबर ऑफ द कंपनी कंपनी के सभी मेंबर्स के लिए लेकिन वन मेंबर कैन नॉट बी विटनेस फॉर अनदर लेकिन एक मेंबर दूसरे का विटनेस नहीं बन सकता ठीक है एक विटनेस सारे ऑल मेंबर्स का विटनेस बन सकता है लेकिन कोई एक मेंबर दूसरे मेंबर का क्या नहीं कर सकता विटनेस नहीं बन सकता आगे देख क्या बोलते हैं मिनिमम ऑफ सेवन मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी एंड टू मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी मस्ट बी द सिग्नेटरी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखिए पब्लिक कंपनी के मामले में सात मेंबर मिनिमम ऑफ सात मेंबर क्या होते हैं सिग्नेटरी होंगे और प्राइवेट कंपनी के मामले में टू मेंबर एटलीस्ट टू मेंबर तो होने ही चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करते टाइम ठीक है थीके? तो स्टूडेंट्स आज का जो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एम है ना और पढ़े हमने कुछ फीचर्स एम के और फिर पढ़ा पर्पज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एम एंड देन फिर पढ़ा हमने फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ़ एम तो होप्स आई होप स्टूडेंट आई आपको आज की वीडियो समझ आई होगी जो टॉपिक आपने कराया है एम तो ऐसे ही स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनोजिया मैम